अगर आपको चेहरे के ऊपर फाइन फेशियल हेयर छोटे छोटे फेशियल हेयर या तो अपर लिप्स की प्रॉब्लम है ना तो मेजर रूटीन फॉलो करती हूँ ना वो आप करना बहुत ही सिंपल है और आप देख सकते हो कि मुझे अपर लिप्स में छोटे छोटे फाइन फेशियल हेयर है जो हमें दिखते नहीं है बट जब हम मेकअप करते हैं ना तो उससे मेकअप हमारा अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है आप ये दोनों में से जो रेज़र मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो रेज़र आपको यूज़ नहीं करना है ये रेज़र आपको जो मैं अभी वीडियो में दिखा रही हूँ ना कारमेसी आई थिंक ब्रांड का ये रेज़र है जो आपको अमेजन में ऑनलाइन मिल जाएगा ये रेजर बहुत ही अच्छा आता है सबसे पहले आप फेस को धोने के बाद एलोवेरा जेल या तो फेशियल ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ अच्छे से अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको पूरे फेस के ऊपर लगाना है और उसके बाद ही रेज़र को यूज़ करना है ताकि रेजर जो है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली ग्लाइड हो जाएगा और हमें कोई कट भी नहीं लगेगा एंड हमारी स्किन ड्राई भी नहीं होगी आप देख सकते हो कि वैसे दिखने में हमें चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर होते हैं ना वो दिखते हैं नहीं है बट जब रेजर से सेव से करते हैं ना तो आप देख सकते हो कि फेशियल हेयर निकल रहे हैं और निकलने के बाद स्किन बहुत ही क्लीन और स्मूथ हो जाती है और अपर लिस्ट में मुझे यहाँ पर फेशियल हेयर है जो मैं रिमूव कर रही हूँ कहीं पर हमें पार्टी वेडिंग में जाना होता है तो पार्लर में जाके अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है और बहुत दूर भी होता है इसके बदले आप सिर्फ पाँच मिनट निकाल कर ये रूटीन फॉलो कर सकते हो धीरे धीरे आपको ये स्ट्रोक लगाना है ये तो यहाँ पर मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ इसलिए आपको फटाफट दिख रहा होगा उसके बाद चेहरा अच्छे से सिर्फ पानी से धो लीजिए और ये मैंने यहाँ पर ककड़ी यानी क्यूकम्बर की आइस क्यूब बनाई थी आ, ये आइस क्यूब आपको एक चेहरे के ऊपर अच्छे से रब करनी है ताकि कोई कट लगा हो तो भी वो हील हो जाए और हमारे पोर्स भी मिनिमाइज हो जाए और स्किन बहुत ही स्मूथ आपको लगने लगेगी और पानी से यहाँ पर मैंने चेहरा धो लिया आप देख सकते हो स्किन कितनी क्लियर हो गई और मेकअप करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से उभर के आएगा और उसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर लगा लीजिए ताकि आपकी स्किन जो है ना वो यहाँ पर अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी हाइड्रेट हो जाएगी नरिश हो जाएगी आप देख सकते हो स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ और ग्लोइंग लग रही है तो अगर आपको भी छोटे छोटे फाइन फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो वीडियो पसंद आए तो लाइक और फॉलो ज़रूर करना